इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी आपको इस तरीके से आपके पेपल के अंदर दिखा देता है, सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो रीजंस यहाँ पर जैसे कि विड्रॉल करते हैं और कहीं पर भी बहुत सारे सेक्शंस करते हैं तो वहाँ पर इश्यू दिखाई देते हैं। देखिए कार्ड्स पर बेसिस इशू भी हो सकता है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन आप करते हुए होते हैं तो बेस्ट वो एक ही जगह का बेस्ट नहीं होता है, आपकी एक ही जगह से ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अब मान लीजिए चलिए पेपल में सर्वर डाउन हो जाते हैं, हर जगह पर सर्वर डाउन हो जाते हैं, मान के चलिए कि वहीं पर सर्वर डाउन चल रहे हैं, लेकिन आपके कार्ड में भी बहुत सारे इशू चलते होते हैं। कार्ड से जो लिंक होता है बैंक अकाउंट उसमें भी इशू चलते होते हैं, कोई प्राइवेट कार्ड भी ले लेता है तो उसमें भी इशू चलते हुए होते हैं। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको इश्यू दिखाए तो सबसे पहले आप जो है घबराइएगा मत, कम से कम एक दिन का वेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर एक दिन के बाद आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको ईजिली, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आने वाली में, अगली वीडियो में। और यहाँ पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब, और अगर यहाँ पर किसी कार्ड वगैरह में इशू आता है तो भी यहाँ पर इजीली हो जाता है कि उसको समझना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो लिंक होगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें कोई इशू बताता है तो। और यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं होती, आपका विड्रॉल सेम पड़ा ही रहता है, मतलब कि कहीं जाता नहीं है या किसी को ट्रांसफ़र आप कर रहे हो तब ये इशू दिखाए, तो अगर वो या तो उसके पास पहुँच ही जाएगा या फिर आपके पास आ ही जाएगा वापसी, पैसा कहीं नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ें, अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।